अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ बीटरूट हलवा बनाने की रेसिपी। ये बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बनता है। बहुत ही आसानी से आप इसको बना सकते हैं। तो चलिए बीटरूट हलवा बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए देखते हैं। सब्सक्राइब कीजिए लर्न विद जैनब चैनल को और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। ये बिल्कुल फ्री है। बीटरूट हलवा बनाने के लिए हमें चाहिए आधा किलो बीटरूट। आधा किलो बीटरूट को हमने कद्दूकस किया हुआ है। आप चाहे तो इसको मिक्सी में दरदरा पीस सकते हैं। आधा कप दूध लेंगे। खोवा और शुगर को हमने इस तरह से मिक्स किया हुआ है। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो शुगर भी ऐड कर सकते हैं। 3 to 4 टेबलस्पून घी लेंगे। ड्राई फ्रूट्स में हम लेंगे बादाम, इलायची पाउडर और काजू किशमिश। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। एक पैन में हम ऐड कर देंगे 1 से 2 टेबलस्पून घी को। घी को अच्छे से गर्म होने के बाद हम ऐड कर देंगे ड्राई फ्रूट्स को। काजू और किशमिश को इसमें फ्राई कर लेंगे हल्का सा। काजू और किशमिश अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। अब हम इनको निकाल कर एक अलग प्लेट में रख लेंगे। उसी पैन में फिर से 1 चम्मच घी ऐड कर लेंगे। इसमें हम ऐड कर देंगे बीटरूट को। इसको घी में अच्छे से मिक्स करके 5 मिनट तक हाई फ्लेम पे इसको ढककर पकने देंगे। पांच मिनट हो चुके हैं। अब हम इसको चेक कर लेंगे। एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसके अंदर का पानी अच्छे से ड्राई हो चुका है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे दूध। दूध ऐड करके अच्छे से मिक्स करके पकाएंगे। गैस को हाई फ्लेम पे ही रखेंगे। दूध को ऐड करने से ये और भी ज्यादा सॉफ्ट हो जाएगा। खोवा और शुगर को ऐड कर देंगे। खोवा और शुगर आप अपने अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं, कम या ज्यादा। अगर आपके पास खोवा नहीं है तो आप शुगर भी ऐड करके इसको बना सकते हैं या कंडेंस मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। गैस को हाई फ्लेम पे रखेंगे। खोवा और शुगर को अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि कोई लम्स ना रहे। ऐड कर देंगे इलायची पाउडर को भी। इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। चीनी को ऐड करने के बाद जो एक्स्ट्रा पानी है उसको ड्राई होने तक हाई फ्लेम पे रख के अच्छे से पकाएंगे। अब हम ऐड कर देंगे काजू और किशमिश को भी। अच्छे से मिक्स करके हाई फ्लेम पे 1 मिनट तक पकाएंगे। बीटरूट हलवा अब हमारा तैयार है। फ्लेम को ऑफ कर देंगे। इसको डिश आउट कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमारा मजेदार सा बीटरूट हलवा बनकर तैयार है। आप भी इस हलवे को घर पर आसानी से बना सकते हैं। इस हलवे को देखकर मेरे मुंह में तो पानी आ रहा है। मैं अब थोड़ा सा आपको टेस्ट करके बताऊंगी। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस बना हुआ है। हलवे को बनाना बहुत ही आसान है। आप इसको किसी भी फेस्टिवल्स में, फंक्शंस में बना सकते हैं। आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और अपने फीडबैक्स मुझे दें। उम्मीद है आपको हमारी ये बीटरूट हलवे की रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह मैं फिर आपसे बहुत जल्द मिलूंगी एक नई रेसिपी के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।